तो आज की इस वीडियो में हम आपको आईफोन के बारे में बताएंगे कि आईफोन जो है आखिर वह इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ। जहां आज की वर्ल्ड मार्केट में इतने सारे मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उसमें जो आईफोन है उसने अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाई और उसकी हिस्ट्री से लेकर वह आज तक कैसे इवोल्यूशन उसने किया है, इस बारे में बताएंगे। तो ये सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आईफोन के पॉपुलर होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि इसने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया था। और हमारे पुराने मोबाइल्स में जब मोबाइल जो है वह शुरू की डेवलपिंग स्टेज में था, उस समय पर इसे चलाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल था। और उस समय पर जो आईफोन था उसने मोबाइल के इस्तेमाल को काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और सरल बना दिया था। और उस वक्त पर जो मार्केट लीडर नोकिया था वह मिनी ड्रिवन एक डिवाइस था, तो उसमें यह याद रखना काफ़ी ज़रूरी था कि किस मेन्यू में कौन सा फंक्शन है। और जो आईफोन है उसने इसकी जगह आईकॉन को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो आईकॉन्स आप आज डिवाइस में देख पाते हैं वह एप्पल ने स्टार्ट किया था। और इन आईकॉन्स को देखते ही जो यूज़र है वह समझ पाता था कि इस आईकॉन का क्या काम है। और साथ ही टच स्क्रीन इंट्रोड्यूस करके जो सारे फिजिकल कीज थे उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह एक टच स्क्रीन मोबाइल इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस समय पर जो मोबाइल ब्रांड नोकिया था उसमें जो E51 मॉडल था उस मॉडल में बीच के स्टील के चौकोर बटन्स को यूज़ करके नेविगेट किया जाता था और उसमें जो सेंटर की बटन थी उसका यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया जाता था। और वहीं आईफोन 1 ने 2007 में आईकॉन और टच स्क्रीन से सारा काम ही बदल दिया और बस एक ही चेंजेस से आईफोन सुपर हिट हो गया। और सैमसंग ने इस डिज़ाइन की कॉपी करने में थोड़ी भी देर नहीं की और इसी कारण सैमसंग और एप्पल के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट केस चलता रहा। और इसके अलावा आईफोन 1 से 2 में कुछ और भी नई चीज़ें अपग्रेड की गईं और गाने स्टोर यानी कि जो म्यूज़िक स्टोर होते हैं उन्हें सुनने की सुविधा दी गई। और इसके लिए उस समय पर जो एप्पल के आईपॉड होते थे वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। सो यह 2-in-1 हो गया और टच स्क्रीन प्लस आईपॉड यह कॉम्बिनेशन में काम करते थे। और साथ ही इंटरनेट सर्फिंग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। और सफलता की लंबी छलांग आईफोन ने इन तीन चीज़ों से मारी, लेकिन समय समय पर कई सारी चीज़ें अपग्रेड करने की वजह से आईफोन ने खुद को आगे रखा हुआ है, जैसे कि बेहतर कैमरा क्वालिटी और इसका जो सिक्योरिटी फीचर है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और स्टोरेज, ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इसे काफ़ी यूनिक बनाता है। और ईयर 2007 में आईफोन ने मोबाइल फ़ोन के इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला दिया था और इसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और पहले 4 सालों में ही एप्पल ने 100 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स को सेल किया। और इसके बाद ईयर 2018 तक यह रिकॉर्ड बढ़कर 2.2 बिलियन हो गया है। और भले ही कोई भी एक सस्ता और सिंपल फ़ोन वैसे कुछ प्रोवाइड कर रहा हो जो कि एक आईफोन प्रोवाइड करता है, फिर भी कोई इंसान जो है अगर उसके पास पैसे हों तो वह एक एप्पल डिवाइस को ही प्रेफरेंस क्यों देता है। तो इसके पीछे एप्पल की एक बहुत ही सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो एप्पल की जो शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वह आईफोन को इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का एक मेन कारण बनाती है। तो सच तो बात यह है कि जब आप एक आईफोन ख़रीदते हैं तो आप सिर्फ एक फ़ोन नहीं बल्कि एक स्टेटस ख़रीद रहे होते हैं। और इसके अलावा एप्पल ने आईफोन को कुछ ऐसी एक बहुत ही यूनिक स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया है जो कि इसे सबसे अलग बनाता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि आईफोन जो है वह काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इसे हम डीप में देखते हैं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आईफोन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और एप्पल के जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उन सब का कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन कितना स्ट्रांग होता है वह वही लोग समझ सकते हैं जो कि इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।